हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। यहाँ पे जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है बहुत सारे, जो कि रिक्रूटमेंट, उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोगों को समझ आए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, फर्स्ट जो पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग ट्रेनी, जिसका आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। आपको इलेक्ट्रिकल टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे 180। सेकेंड पोस्ट जो है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, जिसका लिए आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको कोर्स चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है यहाँ 40। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको आपको क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका भी वैकेंसी है 61। और उसके बाद जो है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के, सिविल इंजीनियरिंग के आपको डिग्री चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 18। तो दोस्तों, इसके बाद मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक बात बोल देता हूँ, आपको सैलरी जो रहेगा यहाँ पर आपको 56,100 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो कि पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा जो कि आपको सैलरी मिल जाएगा। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 ईयर्स जो कि मिनिमम एज है, और मैक्सिमम जो कि यहाँ पे 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग बता देता हूँ कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स के रिलैक्सेशन जो कि एक्सटेंड होगा एज, और ओबीसी वालों के लिए 5 ईयर्स के आपको यहाँ पे जो कि एज एक्सटेंड होगा। उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप जो है उसके लिए 15 ईयर्स के आपको एज जो है आपको एक्सटेंड होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT विल बी हेल्ड एंड मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मिथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर सिटीज एट्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस जो है, द सिलेबस फॉर द वेरियस डिसिप्लिन विल बी ऑफ गेट 2018। तो यहाँ पे आपको गेट एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे आपको एससी कैटेगरी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 700 रुपीज़, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़, फिजिकल हैंडीकैप के लिए प्रोसेसिंग चार्ज जो रहेगा 10 रुपीज़, एंड कैंडिडेट आउट ऑफ स्टेट जो है यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको भरना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद दिया हुआ है मैरिटल स्टेटस, एनी मैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन वाइफ हस्बैंड अलाइव, फीमेल कैंडिडेट हु इज मैरिड टू अ पर्सन हु हैव ऑलरेडी वन ऑफ मोर लिविंग वाइफ इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेक्शन। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट एंड मोर जनरल डिटेल्स अवेलेबल UPPCL ऑफिशियल वेबसाइट UPPCL.org। तो बेसिकली यहाँ पे आपको UPPCL.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे जाकर ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना होगा। तो इसका जो ऑनलाइन के एप्लीकेशन के जो लिंक है मैं नीचे आपको दे दूंगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जाके क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, एप्लीकेशन के डेट जो कि है यहाँ पे 6 नवंबर 2018 से शुरू होगा, और 13 नवंबर 2018 तक इसका जो लास्ट डेट रहेगा। पेमेंट के ऑप्शन भी सेम रहेगा, पेमेंट जो कि अगर ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी यहाँ पे एप्लीकेशन डेट सेम रहेगा, 6 नवंबर 2018 एंड 13 नवंबर 2018 तक आप अप्लाई कर पेमेंट कर सकते। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे ये और कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा है। तो दोस्तों, ये था आपका जो यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है, बहुत सारे जो कि पोस्ट। तो
तो अगर आप लोगों को लगता है एलिजिबल करके अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते। तो उसके साथ साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को, और लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।